नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। कोरोना काल के चलते मनरेगा में श्रमिकों को काम देने के मामले में राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसे देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक बेहद अहम योजना तैयार की है जो प्रदेश वासियों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। मनरेगा के जरिए मरुधरा वासियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में सीएम। एक गांव चार काम योजना के तहत प्रदेश में बनेंगे 20,000 आदर्श तालाब। 10,000 तालाब की कार्य योजना को दी जा चुकी है मंजूरी। प्रदेश में वर्षा जल का हो सकेगा संरक्षण। प्रदेश में मृत पड़े पारंपरिक जल स्रोतों को मिल सकेगी संजीवनी। पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं रामगढ़ बांध जैसे पुराने जल स्रोत। जल स्रोतों के मार्ग से अतिक्रमण हटे और मरम्मत हो तो बड़ी होगी उपलब्धि। कोरोना काल में मनरेगा के तहत राजस्थान देश में सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दे के पहले ही नया रिकॉर्ड बना चुका है। अब मरुधरा वासियों को पानी की किल्लत से बचाने के लिए सीएम ने अपनी इस उपलब्धि के जरिए एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। दरअसल मनरेगा के तहत राजस्थान के गांव में 20,000 से अधिक तालाब विकसित करने की योजना सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने बनाई है। खास बात यह है कि इसमें से 10,000 तालाबों के निर्माण के लिए कार्य योजना को मंजूरी भी दी जा चुकी है। राज्य के एक गांव चार काम योजना के तहत इस योजना के काम को किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी मनरेगा में इस मानसून खास तौर से जन संरक्षण पर जोर देने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं। राज्य की योजना के शेष तीन कार्यों में हर राजस्व गांव में खेल मैदान, चारागाह विकास और शमशान तथा कब्रिस्तानों का विकास शामिल है। बता दें कि प्रदेश में करीब 40,000 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 10,000 के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।